स्टूडेंट वेलकम टू इस स्टडी में यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए हिंदी में, 100 में, 100 100 में 100 पक्का होगा आज की वीडियो लाइक कर देना है, आप बस अंत तक देखना है। आपका हंड्रेड परसेंट कह रहा हूं कि आप सौ में सौ नंबर तक ला सकते हैं इस वीडियो में एक एक चीज एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं भी आपको हिंदी की खोजने की तैयारी के लिए नहीं जाना है मात्र इस वीडियो को एक बार अच्छे से नोट्स अपना निकालिए या क्वेश्चन बैंक या जो भी आप बनाए हिंदी की तैयारी के लिए अपना नोट्स निकाल लीजिए पेन कॉपी क्योंकि इस वीडियो में हिंदी में एकदम जबरदस्त तैयारी की बात करेंगे काफी मेहनत लगा है इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दू यहाँ पे देखिए ये जो पेपर्स देख रहे हैं ना ये बहुत पेपर्स हैं मेरे पास जितने भी वो इयर्स के सारे पेपर्स हैं बहुत सारे मतलब इसको मैंने काफी एनालिस किया है इस वीडियो को बनाने के लिए काफी मेहनत हार्ड वर्क किया गया है इस वीडियो को बनाने के लिए इससे आपका काफी हेल्प मिलेगा सौ में सौ नंबर ला सकते हैं मात्र इस वीडियो से तो बस वीडियो को लाइक कर देना है अंत तक इसको देखते रहना देखिए क्या लिखा गया इसमें ऐसे करें हिंदी की तैयारी सौ में सौ नंबर पक्का होगा और अब की बार अब की बार 90 प्लस यानी 90 परसेंट से भी अधिक नंबर लाना है तो पूरा देखना है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस पर हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारे सब्जेक्ट की बेस्ट तैयारी कराया जा रहा है देख सकते हैं कि इस वीडियो को बस लास्ट तक देखना है ठीक है चलते हैं शुरू करते हैं सबसे पहला नंबर जो आपका स्टेप है यहां से स्टार्ट होगा और एक एक चीज स्टेप बाई स्टेप आपको देखते चलना है ठीक है सबसे पहले नंबर बात आती है कि पहला जो क्वेश्चन आपका आएगा वो गद साहित्य से बहुविकल्पी आएगा ठीक है ना समझते चलना है दूसरा जो क्वेश्चन आएगा पद साहित्य से यानी कि गध साहित्य से पांच बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे पहला क्वेश्चन में और दूसरा में पद साहित्य से पांच क्वेश्चन आएंगे यानी कि दस नंबर का केवल आपका कितना बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएगा और आप समझ ही रहे कि गध साहित्य में अढ़ाई क्वेश्चन और पद साहित्य में अढ़ाई यानी पांच क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तो अब जाके दस नंबर क्लियर होगा तो इसके लिए मैंने आप को कुछ भी नहीं तैयार करना मात्र 110 क्वेश्चन बनाया है 110 क्वेश्चन दोनों गद से और पद से इसको पढ़ लेते हैं ना काफी एनालिसिस के बाद मैंने क्वेश्चन को तैयार किया है इसको पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आपका बहुविकल्पी का काम खत्म हो जाएगा तो इसका भी मैं बताऊंगा इसके लिए पहले तो लास्ट में बताता हूं पहले ये बहुविकल्पी की बात अलग कीजिए अभी मेन मेन बात पे आते हैं चलिए यहां पे देखिए लिखा है ना देखिए मैं आपको एक मोटिवेशन शायरी सुनाता हूं जो आपके लिए काफी एनर्जेटिव होगा देखिए मंजिलों से भाग जाना आसान होता है मंजिलों से भाग जाना आसान होता है हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में डरने वालों को कुछ मिलता नहीं जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है तो आपको काफी मेहनत करना है काफी समय कम बचा है बोर्ड एग्जाम पास में है तो आप लोग के लिए मैं यहाँ पे हिंदी की सौ में सौ तैयारी के

दो चैप्टर बताऊंगा पहला राष्ट्र के स्वरूप इसके लेखक कौन है वासुदेव सर अग्रवाल जी ठीक है ना इस राष्ट्र के स्वरूप में जितने भी गद्यांश है बार -बार में पूछे जा रहे हैं। उसको पढ़ लेना है आपको इसके बाद एक और चैप्टर गद्यांश के अशोक के फूल अशोक का जो फूल वाला चैप्टर है इसके राइटर कौन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस चैप्टर को भी पढ़ लीजिए मैं दो चैप्टर ही बताया हूं केवल राष्ट्र के स्वरूप अशोक के फूल इन दोनों चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है मोस्ट इंपॉर्टेंट कहने का मतलब जो बार बार पूछा जा रहा है हर साल आ रहा है उसी गद्यांश को पढ़ लेना है बस दो चैप्टर से ये आपका हो गया कितने नंबर दस नंबर की तैयारी अब यहां पर बात करेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश महत्वपूर्ण गद्यांश में चैप्टर का नाम समझिए पहला क्या है पवन दूती पवन दूतिका जो आपका चैप्टर है पद्यांश का इसके राइटर अयोध्या सिंह हैं इस में जितने भी पद्यांश है पद्यांश को पढ़ लेना है ठीक है अच्छे से तैयारी कीजिए काफी कम समय बचा है इसके बाद दूसरा चैप्टर है कायकई का अनुताप कायकई का अनुताप वाला जो चैप्टर है इसके राइटर कौन है तो मैथिली सरगुप्जी मैथिली जी यकई के अनुताप में जितने भी पद्यांश हैं बार बार पूछा जा रहा है उसी पद्यांश को आप पढ़िएगा ठीक है इसके बाद तीसरा जो चैप्टर लिए गए हैं इसमें गीत से गीत वाला जो चैप्टर है इसके राइटर महादेव वर्मा जी हैं इस गीत के जितने भी पद्यांश हैं, हैं सबको अच्छे से पढ़ लीजिए तो देखिए महत्वपूर्ण पद्यांश के चैप्टर मैंने तीन बताया है पवन दूती इसके बाद कायकई का अनुताप इसके बाद गीत इसको अच्छे से टीक कर लीजिए और अच्छे से आपको गद्यांश को पढ़ लेना है पद्यांश को तो मैंने यहाँ पे दस नंबर इसका भी तैयारी करा दिया अब बात आती है यहाँ पे महत्वपूर्ण लेखक अब यहाँ पे जीवन परचय के लिए मैं बताने जा रहा हूं जीवन परचय पांच नंबर का आता है जिसमें साहित्यिक परिचय भी लिखना होता है ठीक है ना तो देखिए पहला यहाँ पे लेखक का बता रहा हूं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हंड्रेड परसेंट बता रहा हूं कि ये पेपर में एकदम आएगा अगर नहीं आया तो आप वीडियो देखिएगा लास्ट में पेपर आके कमेंट जरूर कीजिएगा कहिएगा कि देखिए सर आया था कि नहीं जरूर आएगा हंड्रेड परसेंट तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आप तैयार कर लीजिएगा इसका जीवन परचय अच्छे से अब इसके बाद दूसरा बता रहा हूँ वासुदेव सर अग्रवाल जी इनको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए मात्र दो तैयार मतलब कर लीजिए एकदम सियोरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि सौ परसेंट ये पेपर में आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा ही मिलेगा तो इसलिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि एक भी छूटे ना ठीक है ना इसके बाद ये लेखक इसके बाद आपका कवि का भी जीवन परिचय आता है तो देखिए यहां पे कवि का भी जीवन पर्ची बताते चल रहा हूं महत्वपूर्ण तो कवि महत्वपूर्ण तो कवि कौन कौन से हो जाएंगे पहला नंबर चार बताऊंगा ठीक है ना पहला है रामधारी सिंह दिनकर पहला कौन से है रामधारी सिंह दिनकर इनका ये कवि है इनका जीवन परिचय अच्छे से पढ़ लेना सौ परसेंट कह रहा हूं ये पेपर में एकदम आएगा अच्छे से तैयार कर लेना जीवन परिचय के साथ साहित्यिक परिचय रचनाएं जितनी भी है अच्छे से पढ़ लीजिए पांच नंबर का सवाल है कोई छोटा अंक नहीं है पांच नंबर बहुत बड़ा होता है इसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर जयशंकर प्रसाद इनका भी जीवन परिचय अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हंड्रेड परसेंट एकदम आपको पेपर के ऑप्शन में देखने को मिलेगा कि इन कवि का जीवन

तीनों या तीनों में से किसी एक का तो एकदम फिक्स है इस चारों में से एकदम फिक्स है कि दो तो ऑप्शन में एकदम मिलेगा हंड्रेड परसेंट तो ये पांच नंबर का यहाँ से भी क्लियर हो जाता है इसके बाद एक मोटिवेशन हो जाए देखिए आंखों में नींद बहुत है आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं और यही समय है कुछ करने का इसे खोना नहीं तो जो आपके पास टाइम बचा है ना ये बहुत कीमती है इसी समय में सारे सब्जेक्ट की तैयारी करना है इसके बाद हम चलेंगे कवि तो हो गया क्लियर इसके बाद अगला टॉपिक है यहाँ पे कथा भारती जो छह नंबर क्वेश्चन पे आता है ना कि लिखने के लिए के पंच लाइट पर कहानी वस्तु का सारांश लिखिए या बहादुर यहाँ पे दो बता रहा हूं कथा भारती से आप पंचलाइट पढ़ लीजिएगा इसके बाद बहादुर को भी पढ़ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जितने भी मैं बताते चल रहा हूँ ना सारे के अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बहुत ही आपका अच्छा स्कोर जाएगा हिंदी में गारंटी दे रहा हूं तो पंचलाइट को पढ़ लीजिएगा इसके बाद बहादुर दोनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए कोई एक तो एकदम अच्छे से लिख कर आएंगे ही इसके बाद अगला है आपका टॉपिक यहाँ पे देखिए स्वठित खंड काव्य आप लोग जितने भी बच्चे इस स्वपठित खंड खंड काव्य को देख रहे हैं ना ये प्रश्न नंबर सात में आता है कितने नंबर पे सात नंबर में आएगा और ये प्रश्न अलग अलग आता है हर एक जिले का आपके जिले का अलग होगा उस जिले का अलग मतलब जितने भी आपके यूपी में जिले हैं पचहत्तर जिले पचहत्तर जिले में अलग अलग, अलग ये स्वखंड काव्य पर आधारित प्रश्न आता है तो आप किस जिले से हैं आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट एक हो जाए कमेंट में जाकर के बताइएगा कि सर मैं इस जिले से हूं आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट इसका खंड का भी बता दीजिए इसके लिए जैसे ही कमेंट करेंगे ठीक मैं आपको वहां पे बताऊंगा ठीक है तो ये सात नंबर क्वेश्चन आपके जिले बार आता है इसलिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैं इस जिले से हूं आगे प्रश्न समझिए इसके बाद देखिए संस्कृत आ गया आपका जो खंड ख स्टार्ट होता है ना खंड क्या होता है खंड ख खंड ख स्टार्ट हो चुका है और यहां से मैं बताते चल रहा हूं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पहला नंबर महत्वपूर्ण गद्यांश ये संस्कृत में गद्यांश आता है आप पढ़े होंगे और उसमें हम आपको चैप्टर बताएंगे दो चैप्टर मात्र पढ़ लीजिएगा पहला है महामना मालवीय क्या है महामना मालवीय इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेना अच्छे से तैयारी कर लेना इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट गद्यांश है संस्कृत के बार बार पूछे जा रहा है उसी को पढ़ना है इसलिए मैं चैप्टर का डायरेक्ट नाम बता रहा हूं इसके ठीक बाद इसके बाद दूसरा चैप्टर है संस्कृत भाषाया महत्तम संस्कृत भाषाया महत्तम इस चैप्टर को भी अच्छे से रीड कर लेना अच्छे से बेहतरीन ढंग से पढ़िए हिंदी में आपको 90 से ऊपर मतलब लाना है इस बार इसके बाद मैं इंग्लिश का भी ऐसे ही बताऊंगा फिजिक्स का केमिस्ट्री का बायो का मैथ का सारे सब्जेक्ट का बेस्ट एक सलूशन निकल के अल्लाह वीडियो कि आप कैसे स्कोर कर सकते हैं अच्छा तैयारी किए हैं फिर भी आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे तो बहुत दिक्कत की बात है यहाँ पे संस्कृत कंप्लीट हुआ गद्यांश इसके बाद अब आता है यहाँ पे देखिए आपका संस्कृत महत्वपूर्ण पद्यांश श्लोक आप श्लोक लिखिए पद्यांश ठीक है ना यहाँ पे देखिए संस्कृत का यहाँ पे बता रहा हूँ दो चैप्टर पद्यांश का पहला सुभाषित रत्नानी क्या है सुभाषित रतनानी इस चैप्टर में जितने भी पद्यांश पद्यांश्लोक हैं सबको अच्छे से पढ़ लीजिए मैंने बताया क्या कि जो बार बार रिपीट कर रहा है यानी कि जैसे 2020 में भी आया है 2022 में भी आ गया तो उस क्वेश्चन को उस पद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है ठीक है ना इसके बाद है दूसरा चैप्टर जातक कथा क्या है जातक कथा इस जातक कथा वाले चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा जितने भी इसमें पद्यांश लोग दिए गए हैं अच्छे से रीड कर लीजिए इसी में से आएगा हंड्रेड आगे चलेंगे यहां से स्टार्ट होता है आपका मुहावरा ये आपका क्वेश्चन नंबर कितने से आएगा तो आप देख ही रहे हैं हमने तो आठ तक कर दिया यहां से मुहावरा बता रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट अच्छे से पढ़ लीजिए पहला है अंधे की लाठी पहला क्या है अंधे की लाठी इस अंधे की लाठी मुहावरे को अच्छे से पढ़ लीजिएगा अंधे की लाठी वाला काफी बार पूछा जा चुका है इसके बाद इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप कॉपी पेन निकालिए और एक हिंदी की पूरी तैयारी की अभी नोट्स बना लीजिए जैसे मैं आपको बता रहा हूं ठीक है यहां पे देखिए दूसरा नंबर अपना उल्लू सीधा करना अपना उल्लू सीधा करना इस मुहावरे को भी तैयार कर लीजिएगा इसके बाद अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर अपने पैरों पर खड़ा होना अपने पैरों पर खड़ा होना इस मुहावरे को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसके बाद है अगला चार नंबर देखिए ईद का चांद होना ईद का चांद होना इस मुहावरे को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सबके लिए लाया गया है ठीक है ना इसके बाद यहाँ पे देखिए पांच नंबर उल्टी गंगा बहाना उल्टी गंगा बहाना जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर प्यारा सा लाइक करिएगा काफी मेहनत के बाद आपको इंग्लिश का भी वीडियो ला रहे हैं तो आप लोग इसके लिए सपोर्ट कीजिए इस वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके काल नोटिफिकेशन घंटी दबा लीजिएगा और एक दूसरा काम इस वीडियो को अपने बच्चों अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिले और अपने व्हाट्सएप की स्टेटस में हर एक जगह इसको शेयर कीजिए लिंक को ठीक है इसके बाद देखिए यहाँ पे सिक्स नंबर गाल बजाना यहाँ पे लिखा है ना मुहावरा गाल बजाना इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा आगे बात करते हैं मुहावरा में तो यहाँ पे बारह मुहावरे बताएंगे ठीक है ना ज्यादा नहीं बारह पढ़ लीजिएगा तिल का ताड़ बनाना यहाँ पे लिखाना है तिल का ताड़ बनाना यहाँ पे इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आठ नंबर दांतों तले उंगली दबाना दांतों तले उंगली दबाना इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसके ठीक बाद यहाँ पे नौ नंबर दाल में कुछ काला होना दाल में कुछ काला होना इसको भी पढ़ लीजिएगा इसके ठीक बाद दस नंबर हाथ पांव फूलना हाथ पांव क्या करना फूलना इसको भी पढ़ लीजिएगा इसके ठीक बाद यहाँ पे ग्यारह नंबर आपका है हाथ पांव मारना इसको भी पढ़ लीजिए जितने भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं हंड्रेड परसेंट पेपर में देखने को मिलेगा आप विश्वास के साथ तैयारी कीजिए काफी मेहनत काफी मतलब पेपर्स को देखा गया है साल पेपर सीरीज की कौन कौन से इंपॉर्टेंट उसी को सेलेक्ट किया गया ठीक है लास्ट है इसमें हाथ पीले करना हाथ पीले करना इसको अच्छे से पढ़ लीजिए टोटल मैंने मुहावरा बारह बताया है इसके बाद आपका आता है देख सकते हैं संधि विच्छेद काफी इंपॉर्टेंट सब कुछ तैयार हो जाएगा मात्र इस वीडियो में संधि विच्छेद में पहला लिया गया है विद्यालय का विद्यालय का संधि विच्छेद कर लीजिएगा इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए इसके बाद स्वागतम का स्वागतम को भी अच्छे से पढ़ लेना है अब इसका कहेंगे कि सोल्यूशन लाइए तो वो भी हम ला देंगे मात्र इस वीडियो को ज्यादा से एक हजार लाइक ऑफ करा देना है बस इसका सोल्यूशन मिलाएंगे लाएंगे तीन नंबर देखिए रमेश रमेशा का संधि विच्छेद रमेशा का संधि विच्छेद कीजिए इसके बाद देखिए महोत्सव महोत्सव का भी संधि विच्छेद अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसके बाद है पांच नंबर हिमालय हिमालय को भी अच्छे से पढ़ लेना है आपको एक एक क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ना है ताकि पेपर में आ जाए तो कोई भी ना छोड़ कर आइए इसके बाद देखिए पे नंबर लिखा है कि को भी अच्छे से रीड कर लीजिएगा अच्छे से तैयारी कीजिए इसके बाद सात नंबर लिखा है प्रत्याशा प्रत्याशा को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस प्रत्याशा के बाद है आपका प्रजयते प्रजयते को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा को भी अच्छे से पढ़ लेना है कोई भी छोड़ना नहीं है क्वेश्चन आल क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है इसके बाद आपका क्वेश्चन है विभक्ति बसन क्या है विभक्ति बचन इस विभक्ति वचन जितने में मैं बता रहा हूं अच्छे से पढ़कर जाइएगा एकदम सौ परसेंट पेपर में ही आएगा यही आएगा गारंटी है देखिए पहला है आत्मने आत्मने को भी पढ़ लीजिए इसके बाद आत्मनी आत्मने के ठीक बाद आत्मनी पढ़िएगा इसके बाद आत्मन आत्मन को भी तैयार कर लेना इसके बाद आत्मना इसके बाद क्या है आत्मना इसके बाद है नाम इसके बाद है बादने इस विभक्ति वचन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा पेपर में हंड्रेड परसेंट यही आएगा इसी में से आएगा ठीक है इसके बाद है आपका ग्यारह नंबर क्वेश्चन में आएगा ये ग्यारह का क लिख दिया हूं ताकि समझ में आए कि पेपर में कितने नंबर पे आएगा तो ग्यारह की कॉपी आएगा ठीक है ना यहाँ पे शब्द युग्म ये शब्द युग्म है शब्द युग्म को अच्छे से पढ़ लेना है ठीक है ना? अब देखिए अनल अनिल अनल और अनिल दोनों तो जो है ना इसका शब्द बनाना है इसके बाद पुरुष पुरुष परुष, परुष को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसके बाद यहाँ पे पंथ पथ पंथ है इसके बाद क्या है पथ है इसके बाद यहाँ पे चार नंबर पे अंबुज अंबुद अंबुज अंबुद को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसके बाद है अंश इसके बाद अंशु अंस के बाद बाद है है अंशु इसके छ नंबर पे निहत निहित निहत श्रमण श्रवर इसके बाद है नीहत नीहित। नीहत नीहित बाद श्रवर्ण श्रवर्ण इसके, इसके तरुड़ी तरड़ी है सॉरी तरड़ी तरुड़ी यहाँ पे तरुड़ी होगा इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा यहाँ पे नौ नंबर अभिराम अविराम अभिराम अविराम का शब्द युग्म अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसके बाद अंश अंश यहाँ पे दोनों जो है उच्चारण एक ही जैसा है लेकिन दोनों का लिखावट जो है अलग अलग है इसका अर्थ भी अलग अलग बनेगा तो दस बताया हूं शब्द इसके बाद आता है क्वेश्चन आपका शब्द अर्थ इसी को बोलते हैं प्रवाची अनेकार्थी भी कहते हैं इसी को ठीक है जैसे कि दस बता रहा हूं इसमें भी पहला है अंबर पहला क्या लिया गया है अंबर अच्छे से पढ़कर जाइए आपका हिंदी में एकदम सौ परसेंट तैयारी करा देता हूं दूसरा देखिए अली अली को भी पढ़ लीजिएगा इसका प्रवाची अनेकार्थी भी भी कहते हैं इसको तीसरा है द्वीज। द्वीज को भी पढ़ लीजिएगा चार नंबर पे है नग चार नंबर पे क्या है नग इसके बाद पांच नंबर पे पतंग है पांच नंबर पे पतंग है इसके बाद छह नंबर पे मित्र है इसके बाद सात नंबर पे राग है इसके बाद यहाँ पे आठवा में रखा गया है वर को अच्छे से पढ़ लेना है नंबर पे विधि को रखा गया है किसको विधि को इसके बाद दस नंबर पे सी को अच्छे से पढ़ लेना यानी कि टोटल मैंने कितने कार्थी बताया है दस बताया है और इसी दस में से एकदम हंड्रेड परसेंट पेपर में आएगा अच्छे से पढ़ लीजिएगा ठीक है इसका पीडीएफ मैं प्रोवाइड करूंगा आप चिंता मत कीजिए बस जितने भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए है प्यारा सा अपना लाइक कमेंट करिएगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्यारा सा चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा अब देखिए यहां पे गौ नंबर क्वेश्चन क्या है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इसको बोलते हैं अनेक शब्दों का बात एक कही शब्द में उत्तर दे देना उसी को बोलते हैं अनेक शब्द का एक शब्द में उत्तर इसको भी बता रहा हूँ पहला है जिसे कोई जीत ना सके उसको क्या कहते हैं एक शब्द में उत्तर बताना है जिसे कोई जीत ना सके इसके बाद जिसका ज्ञान अत्यंत कम हो जिसका ज्ञान बहुत ही कम हो उसको क्या कहते हैं अल्प ज्ञानी कहते हैं आप देखिए मैं जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोग फेयर नोट्स निकालिए लीक डालिए इसको तैयारी करिए अब समय बहुत कम बचा है इसके बाद है आपका तीन नंबर तीन नंबर पे ईश्वर में विश्वास रखने वाला को क्या हैं? बोलते हैं आस्तिक बोलते हैं या नास्तिक बोलते हैं आप तो सब लोग जानते हैं इसके बाद फोर नंबर जानने की इच्छा रखने वालों को क्या बोलते हैं जिज्ञासु बोलते हैं या क्या आप लोग अच्छे से तैयारी किए होंगे तो एक भी नहीं छोड़ेंगे फाइव नंबर जिसके हृदय में ममता मं, ना हो उसको क्या कहते हैं जिसके हृदय में ममता ही ना हो उसको क्या कहते हैं छह नंबर पुरुष जिसका विवाह हुआ हो पुरुष जिसका विवाह हुआ उसको क्या कहते हैं सात नंबर सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो उसको क्या कहते हैं इसके बाद आठ नंबर अनुकरण करने वालों को क्या बोलते हैं तो इसमें आठ क्वेश्चन मैंने बताया है अन्यकारी अच्छे से पढ़ लीजिएगा ठीक है अगला क्वेश्चन आ चुका है आपका वाक्य संशोधन पेपर में आता है वाक्य संशोधन करने के लिए कि कृष्णा और राधा नृत्य कर रहे हैं कृष्णा और राधा नृत्य कर रहे हैं तो इसको पढ़ लीजिएगा इसको शुद्ध करके बनाना है ये गलत लिखा है सही से इसको लिखना है ठीक है दूसरा है चाटा लगते ही उसका आंसू निकल पड़ा इसको भी पढ़ लीजिएगा इसके बाद है अगला तीन नंबर महादेव वर्मा एक प्रसिद्ध कवि है महादेव वर्मा जी एक प्रसिद्ध कवि है इसके बाद है चार नंबर पे अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है अध्यापक जो है कक्षा में क्या कर रहा है पढ़ा रहा है इसके बाद पांच नंबर पे लक्ष्मी बाई वीर महिला थी इसको भी शुद्ध कर ले काफी इम्पोर्टेंट है सभी के सबी। सभी नंबर मैं भोजन कर लिया हूं मैं भोजन कर लिया हूं इसको भी शुद्ध कर लीजिएगा इसके बाद सात नंबर एक पुरुष और एक स्त्री जा रही है एक पुरुष और एक स्त्री जा रही है इसको भी पढ़ लीजिएगा इसके बाद आठ नंबर स्त्री प्राया धन होता है स्त्री प्राय धन होता है इसको भी पढ़ लीजिएगा शुद्ध कर लेना है बस नौ नंबर गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या था गौतम की पत्नी का नाम क्या था अहिल्या था इसके बाद दस नंबर पे सरकारी मिट्टी के तेल की दुकान बंद है इस दस संशोधन वाक्य को अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसी में से आपको देखने को मिलेगा आप अच्छे से तैयारी कीजिए अगला है आता है पेपर में ये पेपर में फिक्स है कि आपका छह नंबर का आएगा और हंड्रेड परसेंट यही आएगा जो मैं अभी बता रहा हूं ठीक है पहला है रस से आएगा रस में लिखने को कि रस का परिभाषा लिखिए उदाहरण से लिखिए या रस तो दो रस बताया हूं इसमें रस को पढ़ लीजिएगा रस को तीसरा है दूसरा है अलंकार अलंकार से भी पूछेगा तो मैं बता रहा हूं एक अनुप्रास अलंकार को पढ़ लीजिएगा एक रूपक अलंकार को ये काफी इंपॉर्टेंट है और साथ में एग्जाम्पल भी लिखना है ठीक है इसके बाद तीसरा है छंद छंद को भी पढ़ लेना है छंद में एक दोहा छंद लिखिएगा दोहा छंद को इसके बाद अगला है सोरठा इस सोरठा छंद को भी पढ़ लीजिए छह नंबर का पेपर में आएगा हंड्रेड परसेंट पेपर में यही आएंगे पढ़ लीजिएगा अगला है आपका सबसे महत्वपूर्ण पत्र लेखन ये आपका पेपर में एकदम छ नंबर का आता है हर साल आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए दो ही बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में हंड्रेड परसेंट एक आएगा देख लीजिए किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य या प्रबंधक महोदय को लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए दो देखिए 2022 में 20 में इतने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है समझ रहे हैं ना तो ये इस बार भी एकदम 100 परसेंट आएगा ही आएगा इस पर मैं वीडियो भी बना दिया हूँ कि कैसे लिखना है अच्छे से तैयारी करा दिया हूँ इसका तो आप यूट्यूब स्टडी पत्र लेखन डालेंगे तुरंत ही आ जाएगा ठीक है अगला है इसमें दूसरा नंबर अपने गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखिए इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना हंड्रेड परसेंट ये पेपर में आएगा अगला है आपका देख सकते हैं लास्ट है आपका यही क्वेश्चन महत्वपूर्ण निबंध पेपर में आएगा महत्वपूर्ण निबंध बता देता हूं पांच बताऊंगा यहाँ पे देख लीजिए और एक इसमें मैं लिख कर के बता दिया हूं देखिए कैसे लिखना है महत्वपूर्ण निबंध बहुत ही अच्छे से तैयारी कराया हूं तो इसका वीडियो भी बता दूंगा कैसे प्राप्त करेंगे पहला इसमें पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा पेपर में हंड्रेड परसेंट इसी में से आएगा दूसरा है बाढ़ की समस्या कारण एवं निवारण बाढ़ की समस्या कारण एवं निवारण इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा पेपर में हंड्रेड परसेंट पूछेगा इसके बाद तीसरा है स्वच्छता अभियान जन जन का कल्याण इसको भी पढ़ लीजिएगा इसके बाद है चौथा विज्ञान वरदान है या अभिशाप है इसको भी पढ़ लीजिएगा फाइव नंबर मेरे प्रिय कवि मुंशी प्रेमचंद मेरे प्रिय कवि कौन है मुंशी प्रेमचंद यानी कि पांच हमने निबंध बताया है इसमें से दो फिक्स से बता देता हूँ कौन एक तो पहला ही फिक्स हो गया इसके बाद ये देखिए ये स्वच्छता अभियान वाले एकदम फिक्स है तो इसमें से तीन को लाइन से पढ़ लीजिएगा हंड्रेड परसेंट आएगा ये नौ नंबर का आता है मैंने बता दिया टोटल क्वेश्चन आपको शुरू से लेकर के अंत तक एक एक क्वेश्चन को मैंने बहुत ही अच्छे से तैयारी कराया है अगर जितने मैं क्वेश्चन बताया हूँ अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप हिंदी में 90 प्लस अचीव करेंगे एकदम 100% परसेंट कह रहा हूँ 90 प्लस से भी अधिक ला सकते हैं मात्र ये है जितने भी वीडियो को मैंने बताया है आप एक नोट्स निकालिए और उसको लिख लीजिए और तैयारी कर लीजिए इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा और रही बात पहला नंबर क्वेश्चन की पहला नंबर क्वेश्चन का वीडियो मैं बना चुका हूँ यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन में क्या है कि बहुविकल्पी आएगा देखिए पहला में गद से बहुविकल्पी पद से भी बहुविकल्पी दस नंबर का आएगा तो इसका वीडियो में एक क्वेश्चन का बना दिया हूं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा उसको जाकर के पढ़ लेना है और जितने भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं प्यारा सा लाइक कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन हिट कर लीजिए इंग्लिश की भी ऐसी ही वीडियो लाने के लिए आ, कहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहिएगा हेलो स्टूडेंट वेलकम टू यूट्यूब स्टडी आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए हिंदी में सौ में सौ तैयारी की बात करेंगे काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है बस अंत तक देखना है देखिए ऐसे करें हिंदी की तैयारी सौ में सौ नंबर आपका पक्का होगा आज की वीडियो लाइक कर देना है अब बस अंत तक देखना है आपका हंड्रेड परसेंट कह रहा हूं कि आप सौ में सौ नंबर तक ला सकते हैं इस वीडियो में एक एक चीज एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं भी आपको हिंदी की खोजने की तैयारी के लिए नहीं जाना है मात्र इस वीडियो को एक बार अच्छे से नोट्स अपना निकालिए या क्वेश्चन बैंक या जो भी आप बनाए हिंदी की तैयारी के लिए अपना नोट्स निकाल लीजिए पेन कॉपी क्योंकि इस वीडियो में हिंदी में एकदम जबरदस्त तैयारी की बात करेंगे काफी मेहनत लगा है इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दू यहाँ पे देखिए ये जो पेपर्स देख रहे हैं ना ये बहुत पेपर्स हैं मेरे पास जितने भी वो यर्स के सारे पेपर्स हैं बहुत सारे मतलब इसको मैंने काफी एनालिस किया है इस वीडियो को बनाने के लिए काफी मेहनत हार्डवर्क किया गया है इस वीडियो को बनाने के लिए इससे आपका काफी हेल्प मिलेगा सौ में सौ नंबर ला सकते हैं मात्र इस वीडियो से तो बस वीडियो को लाइक कर देना है अंत तक इसको देखते रहना देखिए क्या लिखा गया है इसमें कि ऐसे करें हिंदी की तैयारी सौ में सौ नंबर पक्का होगा और अब की बार अब की बार नाइनटी प्लस यानी नब्बे परसेंट से भी अधिक नंबर लाना है तो पूरा देखना है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस पर हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारे सब्जेक्ट की बेस्ट तैयारी कराया जा रहा है देख सकते हैं इस वीडियो को बस लास्ट तक देखना है ठीक है चलते हैं शुरू करते हैं सबसे पहला नंबर जो आपका स्टेप है यहां से स्टार्ट होगा और एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप आपको देखते चलना है ठीक है सबसे पहले नंबर बात आती है कि पहला जो क्वेश्चन आपका आएगा वो गद साहित्य से बहुविकल्पी आएगा ठीक है ना समझते चलना है दूसरा जो क्वेश्चन आएगा पद साहित्य से यानी कि गद सहित से पांच बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे पहला क्वेश्चन में और दूसरा में पद साहित्य से पांच क्वेश्चन आएंगे यानी कि दस नंबर नम्ह का केवल आपका कितना बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएगा और आप समझ ही रहे हैं कि साहित्य में अढ़ाई सौ क्वेश्चन और पद साहित्य में अढ़ाई सौ यानी पांच सौ क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तो जाकर दस नंबर क्लियर होगा तो इसके लिए मैंने आपको कुछ भी नहीं तैयार करना मात्र एक सौ दस क्वेश्चन बनाया है एक सौ दस क्वेश्चन दोनों गद से और पद से इसको पढ़ लेते हैं ना काफी एनालिसिस के बाद मैंने क्वेश्चन को तैयार किया है इसको पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आपका बहुविकल्पी का काम खत्म हो जाएगा तो इसका भी मैं बताऊंगा इसके लिए पहले तो लास्ट में बताता हूं पहले ये बहुविकल्पी की बात अलग कीजिए अभी मेन मेन बात पे आते हैं चलिए यहाँ पे देखिए लिखा है ना देखिए मैं आपको एक मोटिवेशन शायरी सुनाता हूं जो आपके लिए काफी एनर्जेटिव होगा देखिए मंजिलों से भाग जाना आसान होता है मंजिलों से भाग जाना आसान होता है हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में डरने वालों को कुछ मिलता नहीं जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है तो आपको काफी मेहनत करना है काफी समय कम बचा है बोर्ड एग्जाम पास में है तो आप लोग के लिए मैं यहाँ पे हिंदी की सौ में सौ तैयारी के लिए वीडियो ला चुका हूं देखिए सबसे पहले नंबर महत्वपूर्ण गद्यांश देखिए गद्यांश

ठीक है ना इस राष्ट्र के स्वरूप में जितने भी गद्यांश है बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उसको पढ़ लेना है आपको। इसके एक और जी। इस को भी पढ़ लीजिए मैं दो चैप्टर ही बताया हूं केवल राष्ट्र के, के स्वरूप अशोक के फूल इन दोनों चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है मोस्ट इंपोर्टेंट कहने का मतलब जो बार बार पूछा जा रहा है हर साल आ रहा है उसी

कायकई का अनुताप कायकई का अनुताप वाला जो चैप्टर है इसके राइटर कौन है तो मैथिली गुप्त जी मैथिली सरगुप्त कायकई के अनुताप में जितने भी पद्यांश हैं बार बार पूछा जा रहा है उसी पद्यांश को आप पढ़िएगा ठीक है इसके बाद तीसरा जो चैप्टर लिए गए हैं इसमें गीत से गीत वाला जो चैप्टर है इसके राइटर महादेव वर्मा जी हैं इस गीत के जितने भी गद्या पद्यांश है सबको अच्छे से पढ़ लीजिए तो देखिए महत्वपूर्ण पद्यांश के चैप्टर मैंने तीन बताया है पवन दूती का इसके बाद कायकई का अनुताप इसके बाद गीत इसको अच्छे से टिक कर लीजिए और अच्छे से आपको गद्यांश को पढ़ लेना है पद्यांश को तो मैंने यहाँ पे दस नंबर इसका भी तैयारी करा दिया अब बात आती है यहाँ पे महत्वपूर्ण लेखक अब यहाँ पे जीवन परिचय के लिए मैं बताने जा रहा हूं जीवन परिचय पांच नंबर का आता है जिसमें साहित्यिक परिचय भी लिखना होता है ठीक है ना तो देखिए पहला यहाँ पे लेखक का बता रहा हूं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हंड्रेड परसेंट बता रहा हूं कि ये पेपर में एकदम आएगा अगर नहीं आया तो आप वीडियो देखिएगा लास्ट में पेपर आके कमेंट जरूर कीजिएगा कहिएगा कि देखिए सर आया था कि नहीं जरूर आएगा हंड्रेड परसेंट तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आप तैयार कर लीजिएगा इसका जीवन पर्चय अच्छे से अब इसके बाद दूसरा बता रहा हूँ वासुदेव सर अग्रवाल जी इनको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए मात्र दो ग मतलब लेखक के जीवन पर्चे तैयार कर लीजिए एकदम सियोरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि सौ परसेंट ये पेपर में आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा ही मिलेगा तो इसलिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि एक भी छूटे ना ठीक है ना इसके बाद ये लेखक थे इसके बाद आपका कवि का भी जीवन पर्चा आता है तो देखिए यहाँ पे कवि का भी जीवन पर्ची बताते चल रहा हूं महत्वपूर्ण कवि महत्वपूर्ण कवि कौन कौन से हो जाएंगे पहला नंबर चार बताऊंगा ठीक है ना पहला है रामधारी सिंह दिनकर पहला कौन से है रामधारी सिंह दिनकर इनका ये कवि है इनका जीवन परिचय अच्छे से पढ़ लेना सौ परसेंट कह रहा हूं ये पेपर में एकदम आएगा अच्छे से तैयार कर लेना जीवन पर्चे के साथ साहित्यिक परचय रचनाएं जितनी भी है अच्छे से पढ़ लीजिए पांच नंबर का सवाल है कोई छोटा अंक नहीं है पांच नंबर बहुत बड़ा होता है इसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर जयशंकर प्रसाद इनका भी जीवन परचय अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हंड्रेड परसेंट एकदम आपको पेपर के ऑप्शन में देखने को मिलेगा कि इन कवि का जीवन पर्च

तीनों या तीनों में से किसी एक का तो एकदम फिक्स है इस चारों में से एकदम फिक्स है कि दो तो ऑप्शन में एकदम मिलेगा हंड्रेड परसेंट तो ये पांच नंबर का यहां से भी क्लियर हो जाता है इसके बाद एक मोटिवेशन हो जाए देखिए आंखों में नींद बहुत है आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं और यही समय है कुछ करने का इसे खोना नहीं तो जो आपके पास टाइम बचा है ना ये बहुत कीमती है इसी समय में सारे सब्जेक्ट की तैयारी करना है इसके बाद हम चलेंगे कवि तो हो गया क्लियर इसके बाद अगला टॉपिक है यहाँ पे कथा भारती जो छह नंबर क्वेश्चन पे आता है ना कि लिखने के लिए कि पंचलाइट पर कहानी वस्तु का सारांश लिखिए या बहादुर यहाँ पे दो बता रहा हूं कथा भारती से आप पंचलाइट पढ़ लीजिएगा इसके बाद बहादुर को भी पढ़ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूं जितने भी मैं बताते चल रहा हूं ना सारे के अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बहुत ही आपका अच्छा स्कोर जाएगा हिंदी में गारंटी दे रहा हूं तो पंचलाइट को पढ़ लीजिएगा इसके बाद बहादुर दोनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए कोई एक तो एकदम अच्छे से लिख कर आएंगे ही इसके बाद अगला है आपका टॉपिक यहाँ पे देखिए स्वठित खंड काव्य आप लोग जितने भी बच्चे इस स्व पठित खंड खंड काव्य को देख रहे हैं ना ये प्रश्न नंबर सात में आता है कितने नंबर पे सात नंबर में आएगा और ये प्रश्न अलग अलग आता है हर एक जिले का आपके जिले का अलग होगा उस जिले का अलग मतलब जितने भी आपके यूपी में जिले हैं पचहत्तर जिले पचहत्तर जिले में अलग अलग, अलग ये स्वखंड काव्य पर आधारित प्रश्न आता है तो आप किस जिले से हैं आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट एक हो रहा है कमेंट में जाकर के बताइएगा कि सर मैं इस जिले से हूं आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट इसका खंड का भी बता दीजिए इसके लिए जैसे ही कमेंट करेंगे ठीक मैं आपको वहां पे बताऊंगा ठीक है तो ये सात नंबर क्वेश्चन आपके जिले बार आता है इसलिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैं इस जिले से हूं आगे प्रश्न समझिए इसके बाद देखिए संस्कृत आ गया आपका जो खंड ख स्टार्ट होता है ना खंड क्या होता है खंड ख खंड ख स्टार्ट हो चुका है और यहां से मैं बताते चल रहा हूं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस पहला नंबर महत्वपूर्ण गद्यांश ये संस्कृत में गद्यांश आता है आप पढ़े होंगे और उसमें हम आपको चैप्टर बताएंगे दो चैप्टर मात्र पढ़ लीजिएगा पहला है महामना मालवीय क्या है महामाना मालवीय इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेना अच्छे से तैयारी कर लेना इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट गद्यांश संस्कृत के बार बार पूछे जा रहा है उसी को पढ़ना है इसलिए मैं चैप्टर का डायरेक्ट नाम बता रहा हूं इसके ठीक बाद इसके बाद दूसरा चैप्टर है संस्कृत भाषाय यह संस्कृत भाषाय यह इस चैप्टर को भी अच्छे से रीड कर लेना अच्छे से बेहतरीन ढंग से पढ़िए हिंदी में आपको 90 से ऊपर मतलब लाना है इस बार इसके बाद मैं इंग्लिश का भी ऐसे ही बताऊंगा फिजिक्स का केमिस्ट्री का बायो का मैथ का सारे सब्जेक्ट का बेस्ट एक सोल्यूशन निकल के अल्लाह वीडियो कि आप कैसे स्कोर कर सकते हैं अच्छा तैयारी किए हैं फिर भी आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे तो बहुत दिक्कत की बात है यहाँ पे संस्कृत कंप्लीट हुआ गद्यांश इसके बाद अब आता है यहाँ पे देखिए आपका संस्कृत महत्वपूर्ण पद्यांश श्लोक आप श्लोक लिखिए या पद्यांश ठीक है ना यहाँ पे देखिए संस्कृत का यहाँ पे बता रहा हूँ दो चैप्टर पद्यांश का पहला सुभाषित रत्नानी क्या है सुभाषित रतनानी इस चैप्टर में जितने भी पद्यांश लोक हैं सबको अच्छे से पढ़ लीजिए मैंने बताया क्या कि जो बार बार रिपीट कर रहा है यानी कि जैसे 2020 में भी आया है 2022 में भी आ गया तो उस क्वेश्चन को उस पद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है ठीक है ना इसके बाद है दूसरा चैप्टर जातक कथा क्या है जातक कथा इस जातक कथा वाले चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा जितने भी इसमें पद्यांश लोग दिए गए हैं अच्छे से रीड कर लीजिए इसी में से आएगा हंड्रेड आगे चलेंगे यहां से स्टार्ट होता है आपका मुहावरा ये आपका क्वेश्चन नंबर कितने से आएगा तो आप देख ही रहे हैं हमने तो आठ तक कर दिया यहां से मुहावरा बता रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट अच्छे से पढ़ लीजिए पहला है अंधे की लाठी पहला क्या है अंधे की लाठी इस अंधे की लाठी मुहावरे को अच्छे से पढ़ लीजिएगा अंधे की लाठी वाला काफी बार पूछा जा चुका है इसके बाद इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप कॉपी पेन निकालिए और एक हिंदी की पूरी तैयारी की अभी नोट्स बना लीजिए जैसे मैं आपको बता रहा हूं ठीक है यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर अपना उल्लू सीधा करना अपना उल्लू सीधा करना इस मुहावरे को भी तैयार कर लीजिएगा इसके बाद अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर अपने पैरों पर खड़ा होना अपने पैरों पर खड़ा होना इस मुहावरे को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसके बाद है अगला चार नंबर देखिए ईद का चांद होना ईद का चांद होना इस मुहावरे को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सबके लिए लाया गया है ठीक है ना इसके बाद यहां पे देखिए पांच नंबर उल्टी गंगा बहाना उल्टी गंगा बहाना जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं प्यारा सा लाइक करिएगा काफी मेहनत के बाद आपको इंग्लिश का भी वीडियो ला रहे हैं तो आप लोग इसके लिए सपोर्ट कीजिए इस वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके काल नोटिफिकेशन घंटी दबा लीजिएगा और एक दूसरा काम इस वीडियो को अपने बच्चों अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिले और अपने व्हाट्सएप की स्टेटस में हर एक जगह इसको शेयर कर इसके बाद देखिए यहाँ पे सिक्स नंबर गाल बजाना यहाँ पे लिखा है ना मुहावरा गाल बजाना इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा आगे बात करते हैं मुहावरा में तो यहाँ पे बारह मुहावरे बताएंगे ठीक है ना ज्यादा नहीं बारह पढ़ लीजिएगा तिल का ताड़ बनाना यहाँ पे लिखाना है तिल का ताड़ बनाना यहाँ पे इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आठ नंबर दांतों तले उंगली दबाना दांतों तले उंगली दबाना इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसके ठीक बाद यहाँ पे नौ नंबर दाल में कुछ काला होना दाल में कुछ काला होना इसको भी पढ़ लीजिएगा इसके ठीक बाद दस नंबर हाथ पांव फूलना हाथ पांव क्या करना फूलना इसको भी पढ़ लीजिएगा इसके ठीक बाद यहां पे ग्यारह नंबर आपका है हाथ पाओ मारना इसको भी पढ़ लीजिए जितने भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं हंड्रेड परसेंट पेपर में देखने को मिलेगा आप विश्वास के साथ तैयारी कीजिए काफी मेहनत काफी मतलब पेपर्स को देखा गया साल पेपर सीरीज कौन कौन से इंपॉर्टेंट उसी को सेलेक्ट किया गया ठीक है लास्ट है इसमें हाथ पीले करना हाथ पीले करना इसको अच्छे से पढ़ लीजिए टोटल मैंने मुहावरा बारह बताया है इसके बाद आपका आता है देख सकते हैं संधि विच्छेद काफी इंपॉर्टेंट सब कुछ तैयार हो जाएगा मात्र इस वीडियो में में संधि विच्छेद पहला लिया गया है विद्यालय का विद्यालय का संधि विच्छेद कर लीजिएगा इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए इसके बाद स्वागतम का स्वागतम को भी अच्छे से पढ़ लेना है अब इसका कहेंगे कि सोल्यूशन वीडियो लाइए तो वो भी हम ला देंगे मात्र इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा एक हजार लाइक अभी करा देना है बस इसका सोल्यूशन मिलाएंगे लाएंगे तीन नंबर देखिए रमेश रमेशा का संधि विच्छेद रमेशा का संधि विच्छेद कीजिए इसके बाद देखिए महोत्सव महोत्सव का भी संधि विच्छेद अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसके बाद है पांच नंबर हिमालय हिमालय को भी अच्छे से पढ़ लेना है आपको एक एक क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ना है ताकि पेपर में आ जाए तो कोई भी ना छोड़ कर आइए इसके बाद देखिए यहाँ पे सिक्स नंबर लिखा की पित्रा देश पित्रा देश को भी अच्छे से रीड कर लीजिएगा अच्छे से तैयारी कीजिए इसके बाद सात नंबर लिखा है प्रत्याशा प्रत्याशा को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस प्रत्याशा के बाद है आपका प्रजयते प्रचयते को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा प्रचयते को भी अच्छे से पढ़ लेना है कोई भी छोड़ना नहीं है क्वेश्चन आल क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है इसके बाद आपका क्वेश्चन है विभक्ति वसन क्या है विभक्ति बचन इस विभक्ति बचन जितने में मैं छे बता रहा हूँ अच्छे से पढ़कर जाइएगा एकदम सौ परसेंट पेपर में ही आएगा यही आएगा गारंटी है देखिए पहला है आत्मने आत्मने को भी पढ़ लीजिए इसके बाद आत्मनी आत्मने के ठीक बाद आत्मनी पढ़िएगा इसके बाद आत्मन आत्मन को भी तैयार कर लेना इसके बाद आत्मना इसके बाद क्या है आत्मना इसके बाद है नामह इसके बाद है नामने इस हो विभक्ति वचन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा पेपर में हंड्रेड परसेंट यही आएगा इसी में से आएगा ठीक है इसके बाद है आपका ग्यारह नंबर क्वेश्चन में आएगा ये ग्यारह का क लिख दिया हूं ताकि समझ में आए कि पेपर में कितने नंबर पे आएगा तो ग्यारह की कॉपी आएगा ठीक है ना यहाँ पे शब्द युग्म ये शब्द युग्म है शब्द युग्म को अच्छे से पढ़ लेना है ठीक है ना अब देखिए अनल अनिल अनल और अनिल दोनों तो जो है ना इसका शब्द युग में बनाना है इसके बाद पुरुष परुष पुरुष परुष को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसके बाद यहाँ पे पंथ पथ पंथ है इसके बाद क्या है पथ है इसके बाद यहाँ पे चार नंबर पे अंबुज अंबुद अंबुज अंबुद को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसके बाद है अंश इसके बाद अंशु अंश के बाद है अंशु इसके बाद छह नंबर पे निहत निहित निहत निहित के बाद से श्रवण श्रवण श्रवर इसके बाद तरुड़ी तरड़ी है सॉरी तरड़ी तरुड़ी यहाँ पे तरुड़ी होगा इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा यहाँ पे नौ नंबर अभिराम अविराम अभिराम अविराम का शब्द युग्म अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसके बाद अंश अंश यहाँ पे दोनों जो है उच्चारण एक ही जैसा है लेकिन दोनों का लिखावट जो है अलग अलग है इसका अर्थ भी अलग अलग बनेगा तो दस बताया हूं शब्द इसके बाद आता है क्वेश्चन आपका शब्द अर्थ इसी को बोलते हैं प्रवासी अनेकार्थी भी कहते हैं इसी को ठीक है जैसे कि दस बता रहा हूं इसमें भी पहला है अंबर पहला क्या लिया गया है अंबर अच्छे से पढ़कर जाइए आपका हिंदी में एकदम सौ परसेंट तैयारी करा देता हूं दूसरा देखिए अली अली को भी पढ़ लीजिएगा इसका प्रवासी अनेकार्थी भी कहते हैं इसको तीसरा है द्वीज द्वीज को भी पढ़ लीजिएगा चार नंबर पे है नग चार नंबर पे क्या है नग इसके बाद पांच नंबर पे पतंग है पांच नंबर पे पतंग है इसके बाद छह नंबर पे मित्र है इसके बाद सात नंबर पे राग है इसके बाद यहाँ पे आठवा में रखा गया है वर को अच्छे से पढ़ लेना है नंबर पे विधि को रखा गया है किसको विधि को इसके बाद दस नंबर पे सी को अच्छे से पढ़ लेना यानी कि टोटल मैंने कितने बताया है दस बताया है और इसी दस में से एकदम हंड्रेड परसेंट पेपर में आएगा अच्छे से पढ़ लीजिएगा ठीक है इसका पीडीएफ मैं प्रोवाइड करूंगा आप चिंता मत कीजिए बस जितने भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए प्यारा सा अपना लाइक कॉमेंट करिएगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्यारा सा चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा अब देखिए यहां पे गौ नंबर क्वेश्चन क्या है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इसको बोलते हैं अनेक शब्दों का बात एक कहीं शब्द में उत्तर दे देना उसी को बोलते हैं अनेक शब्द का एक शब्द में उत्तर इसको भी बता रहा हूँ पहला है जिसे कोई जीत ना सके उसको क्या कहते हैं एक शब्द में उत्तर बताना है जिसे कोई जीत ना सके इसके बाद जिसका ज्ञान अत्यंत कम हो जिसका ज्ञान बहुत ही कम हो उसको क्या कहते हैं अल्प ज्ञानी कहते हैं आप देखिए मैं जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोग फेयर नोट्स निकालिए लिख डालिए इसको तैयारी करिए अब समय बहुत कम बचा है इसके बाद है आपका तीन नंबर तीन नंबर पे ईश्वर में विश्वास रखने वाला को क्या बोलते हैं आस्तिक बोलते हैं या नास्तिक बोलते हैं आप तो सब लोग जानते हैं इसके बाद फोर नंबर जानने की इच्छा रखने वालों को क्या बोलते हैं जिज्ञासु बोलते हैं या क्या आप लोग अच्छे से तैयारी किए होंगे तो एक भी नहीं छोड़ेंगे फाइव नंबर जिसके हृदय में ममता मं, ना हो उसको क्या कहते हैं जिसके हृदय में ममता ही ना हो उसको क्या कहते हैं छह नंबर पुरुष जिसका विवाह हुआ हो पुरुष जिसका विवाह हुआ उसको क्या कहते हैं सात नंबर सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो उसको क्या कहते हैं इसके बाद आठ नंबर अनुकरण करने वालों को क्या बोलते हैं तो इसमें आठ क्वेश्चन मैंने बताया है अनेकार्थी अच्छे से पढ़ लीजिएगा ठीक है अगला क्वेश्चन आ चुका है आपका वाक्य संशोधन पेपर में आता है वाक्य संशोधन करने के लिए कि कृष्णा और राधा नृत्य कर रहे हैं कृष्णा और राधा नृत्य कर रहे हैं तो इसको पढ़ लीजिएगा इसको शुद्ध करके बनाना है ये गलत लिखा है सही से इसको लिखना है ठीक है दूसरा है चाटा लगते ही उसका आंसू निकल पड़ा इसको भी पढ़ लीजिएगा इसके बाद है अगला तीन नंबर महादेव वर्मा एक प्रसिद्ध कवि है महादेव वर्मा जी एक प्रसिद्ध कवि है इसके बाद है चार नंबर पे अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है अध्यापक जो है कक्षा में क्या कर रहा है पढ़ा रहा है इसके बाद

अहिल्या था गौतम की पत्नी का नाम क्या था अहिल्या था इसके बाद दस नंबर पे सरकारी मिट्टी के तेल की दुकान बंद है इस दस संशोधन वाक्य को अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसी में से आपको देखने को मिलेगा आप अच्छे से तैयारी कीजिए अगला है आता है पेपर में ये पेपर में फिक्स है कि आपका नंबर का आएगा और हंड्रेड परसेंट यही आएगा जो मैं अभी बता रहा हूं ठीक है पहला है रस से आएगा रस में लिखने को कि रस का परिभाषा लिखिए उदाहरण से लिखिए या रस तो दो रस बताया हूं इसमें रस को पढ़ लीजिएगा रस को तीसरा है दूसरा है अलंकार अलंकार से भी पूछेगा तो मैं बता रहा हूं एक अनुप्रास अलंकार को पढ़ लीजिएगा एक रूपक अलंकार को ये काफी इंपॉर्टेंट है और साथ में एग्जाम्पल भी लिखना है ठीक है इसके बाद तीसरा है छंद छंद को भी पढ़ लेना है छंद में एक दोहा छंद लिखिएगा दोहा छंद को इसके बाद अगला है सोरठा इस सोरठा छंद को भी पढ़ लीजिए छह नंबर का पेपर में आएगा हंड्रेड परसेंट पेपर में यही आएंगे पढ़ लीजिएगा अगला है आपका सबसे महत्वपूर्ण पत्र लेखन ये आपका पेपर में एकदम छह नंबर का आता है हर साल आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए दो ही बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में हंड्रेड परसेंट एक आएगा देख लीजिए किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य या प्रबंधक महोदय को लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु एक प्रथना पत्र लिखिए ये देखिए 2022 में 20 में इतने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है समझ रहे ना तो ये इस बार भी एकदम 100 परसेंट आएगा ही आएगा इस पर मैं वीडियो भी बना दिया हूँ कि कैसे लिखना है अच्छे से तैयारी करा दिया हूँ इसका तो आप यूट्यूब स्टडी पत्र लेखन डालेंगे तुरंत ही आ जाएगा ठीक है अगला है इसमें दूसरा नंबर अपने गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखिए इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना हंड्रेड परसेंट ये पेपर में आएगा अगला है आपका देख सकते हैं लास्ट है आपका यही क्वेश्चन महत्वपूर्ण निबंध पेपर में आएगा महत्वपूर्ण निबंध बता देता हूं पांच बताऊंगा यहाँ पे देख लीजिए और एक इसमें मैं लिख कर की बता दिया हूं देखिए कैसे लिखना है महत्वपूर्ण निबंध बहुत ही अच्छे से तैयारी कराया हूं तो इसका वीडियो भी बता दूंगा कैसे प्राप्त करेंगे पहला इसमें पर्यावरण पर प्रदूषण की समस्या एवं समाधान पर्यावरण प्रदूषण की समस्या इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा पेपर में हंड्रेड परसेंट डीसी में से बाढ़ की समस्या कारण एवं निवारण बाढ़ की समस्या कारण एवं निवारण इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा पेपर में हंड्रेड परसेंट पूछेगा इसके बाद तीसरा है स्वच्छता अभियान जन जन का कल्याण इसको भी पढ़ लीजिएगा इसके बाद है चौथा विज्ञान वरदान है या अभिशाप है इसको भी पढ़ लीजिएगा फाइव नंबर मेरे प्रिय कवि मुंशी प्रेमचंद मेरे प्रिय कवि कौन है मुंशी प्रेमचंद यानी कि पांच हमने निबंध बताया है इसमें से दो फिक्स से बता देता हूं कौन एक तो पहला ही फिक्स हो गया इसके बाद ये देखिए ये स्वच्छता अभियान वाला एकदम फिक्स है क्या आएगा तो इसमें से तीन को लाइन से पढ़ लीजिएगा हंड्रेड परसेंट आएगा ये नौ नंबर का आता है मैंने बता दिया टोटल क्वेश्चन आपको शुरू से लेकर के अंत तक एक एक क्वेश्चन को मैंने बहुत ही अच्छे से तैयारी कराया है अगर जितने मैं क्वेश्चन बताया हूँ अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप हिंदी में 90 प्लस अचीव करेंगे एकदम 100 परसेंट कह रहा हूं 90 प्लस से भी अधिक ला सकते हैं मात्र ये जितने भी वीडियो को मैंने बताया है आप एक नोट्स निकालिए और उसको लिख लीजिए और तैयारी कर लीजिए इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा और रही बात पहला

Uh, कहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग